नौसेना को मिलने वाला है एक और किलर हथियार। देश की नौसेना की ताकत में लगने वाला है चार चांद। देश की नौसेना कर देगी दुश्मनों को ढेर। दुश्मन टकराने से पहले अब चार बार सोचेंगे। देश की नौसेना के हाथ में आ रहे हैं किलर हथियार जो दुश्मनों के छक्के छुड़वा देंगे। मेड इन इंडिया की ताकत फिर देखेगी पूरी दुनिया। भारत में निर्मित कलवरी क्लास की दूसरी सबमरीन आईएनएस खंडेरी को बहुत जल्द नौसेना में शामिल किया जाएगा। इसके साथ एक स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट को समुद्र में भी उतारने की तैयारी है। बताया जा रहा है कि ये फ्रिगेट शिवलिक क्लास फ्रिगेट के फॉलो ऑन ऑर्डर में पहला है और करीब करीब ऐसे ही 7 फ्रिगेट बनाने की तैयारी है। बताया जा रहा है कि इन 7 फ्रिगेट को देश के 2 अलग अलग जगहों पर बनाया जाएगा, जिनमें से 4 का निर्माण मुंबई स्थित मंझगांव डॉक और 3 का निर्माण कोलकाता में होगा। आपके लिए जानना जरूरी है कि आखिर आईएनएस खंडेरी है क्या। लेकिन आपको बता दें कि कलवरी क्लास की पहली सबमरीन आईएनएस कलवरी को 14 दिसंबर 2017 में नौसेना में शामिल किया गया था। इस श्रेणी की 5 और पनडुब्बी अगले 4-5 सालों में नौसेना में शामिल हो जाएंगी, जिसमें खंडेरी भी शामिल है, जिसके 28 सितंबर को नौसेना में शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें कि स्कॉर्पिन क्लास की ये पनडुब्बी समंदर की सतह और पानी के अंदर दोनों ही तरह से मार कर सकती है। साथ ही इसके ऐसे स्टेल्थ फीचर लगे हैं जिससे यह रडार की पकड़ में नहीं आती, जिसके कारण दुश्मन को हमले की भनक तक नहीं लगती। आपको बता दें कि नौसेना में 14 पारंपरिक सहित 2 परमाणु पनडुब्बी शामिल हैं। अब इनके शामिल होने से नौसेना की ताकत में भरपूर इजाफा होगा, जिससे हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की पैठ और मजबूत होगी और दुश्मन भारत के आगे इतराने से पहले भारत की ताकत से अपनी ताकत की समीक्षा जरूर करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।